हरे कृष्णा। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव जी की रात्रि या शिव की महान रात। शिवरात्रि के इस पर्व के साथ कुछ कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो इस प्रकार से हैं कि इस दिन भगवान शिव ने देवता और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन प्रकरण के दौरान निकले हुए विष का पान किया था, जिस कारण शिव भक्त इस रात्रि को जागरण करते हैं। इसी दिन शिवजी और पार्वती मैया का विवाह हुआ था, इस कारण इस दिन शिवजी की बारात निकाली जाती है। वहीं प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसीलिए यह भी एक कारण है इस दिवस को महाशिवरात्रि या जलरात्रि कहने का। इन सब कारणों से भक्तगण इस पर्व को अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तथा महाशिवरात्रि की महिमा के विषय में एक प्रसंग महाभारत में आता है, जहां बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज को सभी धर्मों का ज्ञान दे रहे थे। तब महाशिवरात्रि के विषय में पूछने पर भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज को बतलाते हैं कि चित्रभानु नाम के एक अत्यंत ही श्रेष्ठ राजा थे। वे एक बार अपनी धर्मपत्नी के साथ महाशिवरात्रि का व्रत रखे हुए थे, तब उसी दिन पर अष्टावक्र मुनि का उनके महल में आगमन होता है। तो वे राजा से पूछते हैं कि यह कौन सा व्रत है और आप इसे क्यों रख रहे हैं। तब चित्रभानु महाराज कहते हैं कि भगवान की दया से मुझे अपने पिछले जन्म का स्मरण है। वह ये मेरे पिछले जन्म की कथा है कि मैं पिछले जन्म में सुस्वर नाम का एक शिकारी था और बहुत ही मधुर गीत गाता था, जिसे सुनकर पशु पक्षी आकृष्ट होते और तब मैं उनका वध कर दिया करता। इस प्रकार का अति पापमय मेरा जीवन था। परंतु एक दिन मुझे शिकार में सिर्फ एक हिरन मिला। मैंने प्रतीक्षा की, लेकिन सुबह से शाम हो गई परंतु कुछ हाथ नहीं लगा। अब अंधेरा होने पर मैं उस हिरन को लेकर एक वृक्ष पर चढ़ गया। क्योंकि अंधेरा था और बहुत ही मूसलाधार वर्षा हो रही थी, इसलिए मुझे वहीं रुकना पड़ा, मैं घर न जा सका। तब अपने परिवार की चिंता करते हुए मैं रोने लगा और वृक्ष की पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। किंतु सौभाग्य से वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था और वह तरु बिल्व पत्र का था, तो इस प्रकार अनजाने में ही उस दिन मेरा व्रत हो गया। मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। अश्रुओं और बिल्व पत्र से शिवजी का अभिषेक हो गया और रात्रि भर बिना कुछ खाए पिए जागरण हो गया, जिसके पुण्य फल से मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के धाम में अपने परिवार के साथ मैं अनेकों दिव्य वर्षों तक रहा। तब पुण्य क्षीण होने पर जब पुनः यह जन्म मिला, तब भी पूर्व जन्म की स्मृति मुझे बनी रही, इसलिए आज भी मैं ये व्रत रखता हूँ कि अगर अनजाने में रखे व्रत का ये फल है तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ व्रत का क्या परिणाम होगा। और तब वे चार प्रकार की शिवरात्रि का वर्णन करते हुए अष्टावक्र मुनि से कहते हैं कि फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी पर पड़ने वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है, जो सबसे श्रेष्ठ है। ये है शिवरात्रि की महिमा, शिवजी की कृपा, और इसी कारण सब लोग व्रत रखते हैं, उनकी उपासना करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि शिव जी परम दयालु हैं, आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं, परम वैष्णव हैं, हर प्रकार के लोगों को संतुष्ट करने वाले हैं, यहाँ तक कि भूत प्रेत पिशाचों को भी संतुष्ट करने वाले हैं, तामसिक लोगों को भी तृप्त करते हैं, अच्छे पति और पत्नी की कामना रखने वालों को भी संतुष्ट करते हैं। तो अब अगर मन में ये प्रश्न आए कि ये शिवजी कौन है, तो ये तत्व बहुत गहन है। कहते हैं कि चार तत्वों को समझना अत्यंत ही कठिन है, राधा तत्व, धाम तत्व, गुरु तत्व और शिव तत्व। क्योंकि एक दृष्टि से ये सब साधारण से लगते हैं कि राधा रानी एक साधारण सी स्त्री हैं जो कृष्ण से प्रेम करती हैं, परंतु यथार्थ में वे भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न हैं, उनकी अंतरंगा शक्ति हैं। ऐसे ही कोई भी धाम इस भौतिक संसार का भाग नहीं है, परंतु हमारी आंखों से हम उस धाम की आध्यात्मिकता को नहीं देख पाते। ऐसे ही गुरु भी देखने में अत्यंत ही साधारण लगते हैं कि वे भी हमारी तरह भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, बीमार होते हैं, किंतु वे साधारण नहीं है। यह हमें स्वयं को बार बार स्मरण कराते रहना चाहिए। वह जिस प्रकार राधा रानी, धाम व गुरु तत्व को समझना मुश्किल है, उसी प्रकार शिवजी के वास्तविक तत्व को समझना अत्यंत कठिन है। कठिन है हमारी बुद्धि से, हमारे प्रयासों से उसे समझना।
किंतु इस विषय में ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतुः यः शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्याद गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस प्रकार दही दूध से ही उत्पन्न होता है परंतु दूध का विकृत स्वरूप है, उसी प्रकार शिवजी भी इस भौतिक जगत के नियंता के रूप में ब्रह्मा एवं विष्णु के साथ सृष्टि के संचालन में सहायता करते हैं। वह मैं उन गोविंद का भजन करूंगा जिनका विस्तार शंभु हैं, शिवजी हैं, जो सृष्टि संचालन में भगवान की सहायता करते हैं और कोई भी कठिन से कठिन सेवा स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, सारे पुराणों में श्रेष्ठ है भागवत, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में शिवजी सर्वोच्च हैं। भागवतम के बारे में स्कंद में लिखा है वैष्णवानाम यथा शंभो, अर्थात शिवजी से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है, उनसे अच्छी भक्ति भगवान श्री कृष्ण की कोई कर ही नहीं सकता। ये हैं शिवजी। तो अब प्रश्न ये कि उनसे मांगा क्या जाए? संसारिक धन संपत्ति रिश्ते नाते ऐश्वर्य भोग हम कुछ भी मांग सकते हैं, किंतु जैसा कि हमने उपरोक्त चित्रभानु राजा की कथा में देखा कि अनेकों दिव्य वर्षों तक शिवजी के धाम में रहने के उपरांत भी वापस पुनः उनका पृथ्वी पर जन्म हुआ, क्योंकि आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो जनः। तो क्यों ना ऐसी वस्तु, ऐसी चिंतामणि मांगी जाए जो सदा हमारे पास रहे, और मांगने के साथ ही यदि हम शिव भक्त हैं व शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि वे किससे प्रसन्न होते हैं, वे क्या करते हैं, उनके हृदय में क्या है, वे किसकी आराधना करते हैं। तो उनके चित्र को यदि हम देखें तो उनके हाथ में सदा ही रहती है जपमाला, जिस पर सदा ही वे भगवान श्री राम श्री कृष्ण का नाम जपते रहते हैं। इसलिए यदि उनके भक्त, यदि हम उनसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा, उनकी भक्ति मांगेंगे तो ये उन्हें सर्वाधिक प्रसन्न करेगा। और इसके प्रमाण में एक प्रसंग है कि एक बार शिवजी से पार्वती माता ने पूछा कि सर्वोच्च आराधना किसकी है, तब शिवजी ने कहा कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, अर्थात किसी की भी आराधना करो परंतु सर्वश्रेष्ठ है भगवान विष्णु की, राम की या श्री कृष्ण की आराधना। जिसकी पुष्टि, जिसकी संस्तुति ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में इस प्रकार करते हैं कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम्। और शिवजी फिर आगे उसमें कहते हैं कि तस्मात् परतरम देवी तदीयनम समर्चनम, अर्थात भगवान विष्णु की सेवा से भी बढ़कर है वैष्णवों की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, क्योंकि इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और स्वयं अनेकों बार इसका साक्ष्य भी दे चुके हैं। जैसे जब नारद जी उनसे मिलने के लिए द्वारका आते हैं तो भगवान अपने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत करते हैं व उनके पाद प्रक्षालन के पश्चात उस जल को अपने सर पर धारण करते हैं। और इसी प्रकार जब सुदामा विप्र उनसे भेंट के लिए आते हैं तब भी भगवान उनका इसी प्रकार स्वागत सत्कार करते हैं, क्योंकि ये भगवान का स्वभाव है कि अपने प्रिय भक्त की पूजा करना, उसका सम्मान करना। और शिवजी और भगवान के श्रेष्ठ भक्तों का स्वभाव है संपूर्ण जगत में भगवान के नाम, उनकी ख्याति, उनकी महिमा को स्थापित करना। भागवतम में वर्णन आता है कि जब प्रचेतस ने शिवजी से पूछा कि कृपया बतलाइए कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है और कैसे उसे प्राप्त करें, तो शिवजी ने कहा कि आप हरि नाम जपो। और भगवान की सेवा को महत्व देता एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है उनका हनुमान जी के रूप में आकर भगवान श्री राम की सेवा करना। इसलिए सदैव शिव जी भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, सारे जगत के कल्याण हेतु, उद्धार हेतु अत्यंत दया करके उन्होंने हलाहल विष का पान किया ताकि सारे जीवों का कल्याण हो। और प्रत्येक जीव का सर्वोच्च कल्याण संभव है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से, जो दया के मूर्तिमान स्वरूप भोलेनाथ शिव शंभु हमें प्रदान कर सकते हैं। इसलिए शिवजी को प्रसन्न करने हेतु आइए उनसे वो अभीष्ट वरदान, वह अमृत धन, वह दिव्य चिंतामणि मांगे जो उन्हें सर्वाधिक प्रिय है, और वह है कृष्ण नामामृत।
अतः यदि वास्तविकता में महाशिवरात्रि के महत्व को जानना है, इसके सर्वोच्च फल को यदि प्राप्त करना है, तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव शिव शंभु से भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी भक्ति मांगिए व अपना ये मानव जीवन सफल कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।